एक कंटिन्यूअस मीडियम ट्रीट करने के लिए क्या कंडीशन होने चाहिए, यानी जो कंटिन्यूम हाइपोथेसिस या कंटिन्यूम थ्योरी हम फ्लूइड फ्लो के लिए कंसीडर करते हैं, जो कि जरूरी है, उसको हमने जाना था। तो आज हम उसके आगे बढ़ते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि कंप्रेसिबल और इनकंप्रेसिबल फ्लूइड क्या है। कंप्रेसिबल फ्लूइड वो हैं जिनको प्रेशर लगा करके कंप्रेस किया जा सके, जिसके वॉल्यूम को कम किया जा सके, जैसे गैस है। तो जो गैस है उसको आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है, उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो कंप्रेस हो जाएगी। जबकि लिक्विड्स को हम जनरली इनकंप्रेसिबल फ्लूइड ट्रीट करते हैं। इन पे प्रेशर लगाने पर कोई कंप्रेशन नहीं होगा। हाई प्रेशर लगाने पर मामूली कंप्रेशन हो सकता है, लेकिन उसको हम निग्लेक्ट करते हैं। तो आइडियली तो कंप्रेसिबल फ्लूइड वो है जिनको कितना भी हाई प्रेशर अप्लाई किया जाए कंप्रेस ना किया जा सके, और कंप्रेसिबल फ्लूइड वो है जिनको मामूली से प्रेशर से भी कंप्रेस किया जा सके। इनकंप्रेसिबल वो है जिनको हाई प्रेशर पे भी कंप्रेस ना किया जा सके। तो ऐसा कोई फ्लूइड होता नहीं है कि हाई प्रेशर अप्लाई करें और वो कंप्रेस ना हो, लेकिन मामूली मात्रा में कंप्रेस होने से उसे हम इनकंप्रेसिबल ही ट्रीट करेंगे। तो जनरली लिक्विड्स को हम इनकंप्रेसिबल फ्लूइड और गैस को कंप्रेसिबल फ्लूइड में रखते हैं। इसके बाद अगली जो प्रॉपर्टी है फ्लूइड की वो है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड की विस्कोसिटी से मतलब ये है, ये किसी भी फ्लूइड का वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी का मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो फ्लूइड बदलने पर ही बदले, यानी किसी भी फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो उस फ्लूइड के साथ बंधी हुई है। चेंज तभी होगी जब फ्लूइड बदल जाएगा। तो विस्कोसिटी भी ऐसी ही एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है फ्लूइड की। और जब फ्लूइड फ्लो करता है तो उसमें एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। ऐसा नहीं कि एक आपने स्मॉल फोर्स लगाया और उसके अंदर मोशन क्रिएट हुआ और फिर मोशन होता ही चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कुछ देर बाद फ्लूइड रुक जाएगा। जैसे कि आप बाल्टी में पानी लीजिए और उसको घुमा के छोड़ दीजिए तो कुछ देर बाद वो रुक जाएगा। इसी तरीके से कोई दूसरा लिक्विड ले लीजिए, मान लीजिए कि हनी लिया, शहद लीजिए किसी बर्तन में, उसको मूव कराइए, उसको उसके अंदर जो है उसको घुमाइए किसी चीज से, तो वो घूमेगा और लेकिन तुरंत रुक जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो शहद है, जो हनी है, उसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा है, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, वाटर की विस्कोसिटी कम है, एयर की उससे भी कम है। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस से जुड़ी हुई प्रॉपर्टी है। और इंटरनल रेजिस्टेंस किसी भी फ्लूइड में कैसे आएगा? कोई भी फ्लूइड तमाम मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है और मॉलिक्यूल जो है आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के द्वारा बंधे हुए हैं। ये जिस फोर्स से बंधे हुए हैं उसकी मात्रा ये डिसाइड करेगी कि रेजिस्टेंस कम हुआ या ज्यादा हुआ।
अगर फ्लूड ऐसा है जिसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग हैं तो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। जिसके इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक हैं उसमें विस्कोसिटी कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगा। तो एयर के आप जानते हैं मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से फ्री हैं, तो वहां पर जो विस्कोसिटी है वो ऑलमोस्ट जीरो है, इसलिए एयर को नॉन विस्कस फ्लूइड ट्रीट किया जाता है। लिक्विड सारे ही लिक्विड में विस्कोसिटी कुछ ना कुछ है, किसी में कम है किसी में ज्यादा है। जैसा कि हमने बताया वाटर में कम है, हनी में उससे ज्यादा है, कोल तार में देखेंगे तो और ज्यादा है। तो अलग अलग तरह के फ्लूइड की विस्कोसिटी अलग अलग होगी। तो विस्कोसिटी जो है वो प्रॉपर्टी है जो फ्लूइड के मोशन में फ्रिक्शन क्रिएट करती है। और इसका एसोसिएशन किससे है? इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस से है। इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस की मात्रा डिसाइड करेगी कि विस्कोसिटी कम होगी या ज्यादा होगी। अगर कोई फ्लूइड है तो एक सर्टेन टेम्परेचर पर इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस जो भी होंगे, टेम्परेचर बढ़ाने पर ये आप जानते हैं वीक हो सकते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर लिक्विड गैस की तरफ मूव करने लगता है, फेज जो है उसका चेंज होना शुरू होता है, यानी उनके इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस वीक होने लगते हैं, तो विस्कोसिटी घटना शुरू हो जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी घटती है किसी भी फ्लूइड की। तो विस्कोसिटी को आप समझ गए होंगे, विस्कोसिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विच क्रिएट रेजिस्टेंस ड्यूरिंग द मोशन ऑफ फ्लूइड। और लिक्विड को हम विस्कस फ्लूइड में ट्रीट करेंगे और गैस को नॉन विस्कस फ्लूइड में ट्रीट करेंगे। इसी के आधार पर आगे जो है हम कैटेगराइज करते हैं फ्लूइड को रियल और आइडियल फ्लूइड में। जैसा कि हमने बताया कि कोई भी फ्लूइड होगा तो उसके अंदर कुछ ना कुछ विस्कोसिटी जरूर होगी, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस कितने भी वीक हों, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे मॉलिक्यूल के बीच में चाहे एयर ही क्यों ना हो बिल्कुल जीरो नहीं होता। कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल एक दूसरे के इतना करीब होते हैं कि उनमें अट्रैक्शन रहता है, तमाम दूर भी रहते हैं जो फ्री होते हैं एक दूसरे से, तो कुछ ना कुछ विस्कोसिटी जरूर होती है। दूसरी चीज, टेम्परेचर और प्रेशर के साथ विस्कोसिटी वेरी भी कर सकती है और करती है। तो कोई भी फ्लूइड नॉन विस्कस है ये कहना गलत है, सारे ही फ्लूइड विस्कस हैं चाहे वो एयर ही क्यों ना हो, लेकिन एयर की विस्कोसिटी इतनी कम होती है कि हम उसको नॉन विस्कस में रख लेते हैं। तो रियल फ्लूइड वो फ्लूइड है जो विस्कस है, और आइडियल फ्लूइड वो फ्लूइड है जो नॉन विस्कस है। तो जैसा कि आपको मालूम कोई भी फ्लूइड नॉन विस्कस होता नहीं है, तो वो फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी जीरो हो ऐसे मिलते नहीं है, इनकी कल्पना की जा सकती है, इसलिए इनको आइडियल फ्लूइड कहते हैं कि वो फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी जीरो होगी वो आइडियल फ्लूइड है, और बाकी सारे फ्लूइड में विस्कोसिटी होती ही है कुछ ना कुछ, यानी जितने भी रियल फ्लूइड्स हैं, जितने भी फ्लूइड पाए जाते हैं सब में विस्कोसिटी होती है।
तो जो भी विस्कस फ्लूड है वो रियल फ्लूड कहलाते हैं। तो रियल फ्लूड्स आर विस्कस फ्लूड्स एंड आइडियल फ्लूड्स आर नॉन विस्कस फ्लूड। एग्जाम्पल, रियल फ्लूड्स में लिक्विड ले लीजिए और आइडियल फ्लूड्स में एयर ले लीजिए नॉन विस्कस। तो रियल फ्लूड आर विस्कस फ्लूड्स एंड आइडियल फ्लूड्स आर नॉन विस्कस फ्लूड। अब आइए देखिए सरफेस फोर्स क्या होता है और बॉडी फोर्स क्या होता है। कोई भी फ्लूड है तो उस पर दो तरह के फोर्स एक्ट करते हैं। जो उसके ऊपर फोर्स एक्ट करते हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, एक सरफेस फोर्स, दूसरा बॉडी फोर्स। सरफेस फोर्स वो फोर्स हैं जो फ्लूड के सरफेस पर एक्ट करते हैं। अगर कोई फ्लूड वॉल्यूम आपने कंसीडर किया तो जो भी फ्लूड वॉल्यूम होगा वो एक क्लोज सरफेस के अंदर होगा। तो जो भी उसकी सरफेस है उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करेंगे उनको सरफेस फोर्स कहा जाता है। तो सरफेस फोर्स जो है फ्लूड के सरफेस पर एक्ट करते हैं, और बॉडी फोर्स वो फोर्स हैं जो पूरे फ्लूड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। यूं कहें कि पूरे फ्लूड बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, इसलिए उनको बॉडी फोर्स कहा जाता है। तो एग्जाम्पल में देख लेते हैं, सरफेस फोर्स जैसे प्रेशर फोर्स है, सरफेस टेंशन का फोर्स है। ये फोर्सेस केवल सरफेस पे एक्ट करते हैं। प्रेशर का फोर्स फ्लूड के सरफेस पे एक्ट करता है। सरफेस घटेगा बढ़ेगा तो ये फोर्स घट बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए कोई फ्लूड है और किसी सरफेस के अंदर एक फिक्स उसका वॉल्यूम है, मान लीजिए स्फेरिकल शेप है, उसका कुछ वॉल्यूम है और वो किसी सरफेस से बाउंड है, तो सरफेस पर जो प्रेशर एक्ट करेगा वो सरफेस फोर्स है। अब मान लीजिए यही फ्लूड स्फेरिकल वॉल्यूम के अंदर ना होकर के क्यूबिकल वॉल्यूम या किसी और वॉल्यूम के शेप में हो, तो फ्लूड का वॉल्यूम उतना ही है। फ्लूड का वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा है लेकिन उसका सरफेस बदल जा रहा है, सरफेस एरिया चेंज हो जाएगा जिससे जिसके अंदर वो इनक्लोज्ड है। तो सरफेस पे लगने वाले फोर्स चेंज हो सकते हैं, प्रेशर बदल सकता है। तो प्रेशर का फोर्स जो है वो सरफेस फोर्स का बेस्ट एग्जांपल है। इसके अलावा स्ट्रेस फोर्स होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे, वो भी सरफेस फोर्स होते हैं। तो स्ट्रेस फोर्स एंड प्रेशर फोर्स आर सरफेस फोर्स, ये ध्यान रखिएगा। बॉडी फोर्स क्या है? बॉडी फोर्स वो फोर्स हैं जो पूरे फ्लूड मास में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अगर मान लीजिए कि जो है एक बाल्टी में पानी है और उसके ऊपर एक बॉडी फोर्स, मान लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका बेस्ट एग्जांपल है। ग्रेविटेशनल फोर्स मास पे डिपेंड करेगा, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो फ्लूड का जितना मास होगा इंटू ग्रेविटी जी, ये जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो पूरे फ्लूड मास पे एक्ट कर रहा होगा और पूरे फ्लूड मास में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बराबर। अब मान लीजिए इस बाल्टी में जो पानी है उसको आप आधा फेंक दीजिए और आधा ही रखिए, तो जो फोर्स है अब वो आधा रह जाएगा क्योंकि मास आधा हो गया। तो बॉडी फोर्स वो फोर्सेज हैं जो पूरे फ्लूड मास में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, मास को कम ज्यादा करने से ये बदल जाएंगे। मास को कम कर दीजिए कम हो जाएंगे, बढ़ा दीजिए बढ़ जाएंगे। उल्टे भी हो सकते हैं, ये फोर्स किस तरह का है इस पर डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फोर्स, ये भी ऐसा ही फोर्स है। अगर मान लीजिए कि कोई जो फ्लूड है वो
इलेक्ट्रिक का कंडक्टर है यानी उस आयनाइज्ड फ्लूड है और किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया उसको, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा। अब ये फ्लूड कम ज्यादा कर दिया जाए, कम कर दिया जाए तो मैग्नेटिक फोर्स कम हो जाएगा, फ्लूड उसमें और बढ़ा दिया जाए तो ये बढ़ जाएगा। तो ये जो फोर्स है पूरी बॉडी में, पूरे फ्लूड मास में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कम कर दीजिए तो उसी अनुपात में कम हो जाएगा, बढ़ा दीजिए तो उसी अनुपात में बढ़ जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड बॉडी फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ बॉडी फोर्स, एंड स्ट्रेस फोर्स एंड प्रेशर फोर्स आर द एग्जांपल ऑफ सरफेस फोर्स। तो जब कोई फ्लूइड वॉल्यूम कंसीडर करेंगे तो उसके ऊपर दो तरह के फोर्स लगेंगे, सरफेस फोर्स और बॉडी फोर्स। बॉडी फोर्स पूरी बॉडी में लगेगा, पूरे मास पे लगेगा, और सरफेस फोर्स केवल उस सरफेस पे लगेगा जिसके अंदर फ्लूइड है। स्ट्रेस क्या होता है इसको हम समझना जरूरी है आपको, और स्ट्रेस एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है फ्लूइड मैकेनिक्स में। कोई फ्लूइड सरफेस है, मान लीजिए फ्लूइड है, और उस फ्लूइड रीजन के अंदर एक सरफेस एज्यूम कर लीजिए, कोई भी सरफेस एज्यूम कर लीजिए, सपोज वी हैव दिस फ्लूइड रीजन, ये फ्लूइड है और इस फ्लूइड के अंदर एक सरफेस इमेजिन कर लीजिए, इसके चारों तरफ फ्लूइड है, फ्लूइड के अंदर एक सरफेस हमने इमेजिन कर लिया। अब इसका कुछ एरिया ले लीजिए, मान लीजिए डेल्टा एस इसका एरिया है और इसके ऊपर एक फोर्स जो है एफ एक्ट कर रहा है, डेल्टा एफ। इस पूरे सरफेस के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, सरफेस के ऊपर यानी सरफेस फोर्स की हम बात कर रहे हैं, बॉडी फोर्स की बात नहीं कर रहे, बॉडी फोर्स के लिए मास चाहिए, खाली सरफेस से मास नहीं मिलेगा। तो ये मान लीजिए कोई एलिमेंट्री सरफेस है फ्लूइड के अंदर, उसके ऊपर लगने वाला फोर्स है डेल्टा एफ और इसका सरफेस एरिया है डेल्टा एस। तो फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया इन द लिमिटिंग केस व्हेन डेल्टा एस इज टेंडिंग टू जीरो, दिस इज कॉल्ड द स्ट्रेस एट पॉइंट। तो देखिए स्ट्रेस एट पॉइंट पी, हमने पॉइंट पी के अराउंड एक सरफेस लिया था, तो पी के अराउंड ये सरफेस है। P के राउंड का सरफेस का मतलब यह है कि P पॉइंट उस सरफेस के अंदर होना चाहिए और इसके ऊपर फोर्स लग रहा है डेल्टा F, एरिया है डेल्टा S। तो फोर्स पर यूनिट एरिया एट पॉइंट P, P पर अगर निकालना है तो डेल्टा S टेंडिंग टू जीरो, इस तरीके से जीरो टेंड होगा कि यह श्रिंक होकर पॉइंट P पे चला जाएगा। तो यह कहलाएगा स्ट्रेस एट पॉइंट P, P पर जो लगने वाला फोर्स है और उसके सराउंडिंग जो एरिया है, ये फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस फोर्स कहलाएगा एट पॉइंट पी, पी पर ये स्ट्रेस फोर्स कहलाएगा। किसी फ्लूइड के अंदर किसी पॉइंट पर स्ट्रेस इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, किसी फ्लूइड के अंदर किसी पॉइंट पी पर या किसी दूसरे पॉइंट पर अगर स्ट्रेस आपको कैलकुलेट करना है तो उस पॉइंट के सराउंडिंग एक एरिया ले लीजिए, उस एरिया पर लगने वाला फोर्स ले लीजिए, फोर्स पर यूनिट एरिया जो होगा वो स्ट्रेस होगा। अब जो खास बात है जानने की वो ये है कि इसी पॉइंट पर आपने ये सरफेस लिया है तो स्ट्रेस ये मिला है, और इसी सरफेस का ओरिएंटेशन अगर आप बदल दीजिए,
इसको एक एग्जांपल से समझिए. सपोज वी हैव अ पॉइंट पी हियर, सपोज दिस इज द पॉइंट, और ये फ्लूइड है और फ्लूइड के अंदर हमने ये सरफेस लिया है, इस पॉइंट पे सरफेस लिया है. तो यहां पे स्ट्रेस अगर कैलकुलेट करेंगे इस सरफेस पे, तो इसके ऊपर जितना फोर्स लग रहा होगा डिवाइडेड बाय द एरिया, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेस ऑन दिस सरफेस एट दिस पॉइंट. अब देखिए, इसी पॉइंट वही रखेंगे और जो सरफेस ले रहे हैं वो दूसरा ले ले रहे हैं. ये जो सरफेस है इस पर नॉर्मल ये है, इसी पॉइंट पर हमने दूसरा सरफेस का ओरिएंटेशन हमने बदल दिया. इस पे नॉर्मल देखिए ये बदल गया, पॉइंट वही है, वही पॉइंट, उसी पॉइंट पर आप इनफाइनाइट सरफेस ले सकते हैं. तो दूसरा सरफेस लिया, अब इस सरफेस पर जो फोर्स लग रहा होगा डिवाइडेड बाय दिस एरिया, एरिया भले वही रहे लेकिन अब इसके ऊपर लगने वाला फोर्स बदल सकता है. ऐसा नहीं है कि एरिया वही है उतना ही है तो फोर्स उतना ही रहेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. सरफेस का ओरिएंटेशन बदल जाने से उसके ऊपर लगने वाला फोर्स बदल सकता है. कैसे बदल सकता है? ये आपको समझ में आ जाएगा इस तरीके से कि कोई भी जो फ्लूइड है जब वो मूव करता है तो उसके ऊपर जो फोर्स जो है फ्रिक्शन के भी फोर्स क्रिएट हो जाते हैं अगर विस्कस फ्लूइड है, और फ्रिक्शन का जो फोर्स है वो टेंजेंशियल हमेशा लगेगा, वो सरफेस के टेंजेंशियल लगेगा, जबकि प्रेशर का फोर्स नॉर्मल लगेगा. तो प्रेशर का फोर्स और ये टेंजेंशियल फोर्स मिल करके एक फोर्स जो बनाएंगे, रिजल्टेंट फोर्स, उसकी डायरेक्शन कुछ होगी. वो इस पर डिपेंड करेगी कि टेंजेंशियल फोर्स क्या है, टेंजेंट यानी किस सरफेस पे ले रहे हैं. मान लीजिए कि ये सरफेस ये हो गया तो इस पर टेंजेंशियल फोर्स अब इस डायरेक्शन लगेगा, तो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कुछ और आएगा. ये सरफेस लेंगे तो इस पर टेंजेंशियल फोर्स किसी और डायरेक्शन में लगेगा, उस पर रिजल्टेंट कुछ और आ जाएगा, तो जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, उसकी मात्रा भी बदल सकती है. तो किसी पॉइंट पर जो सरफेस हम ले रहे हैं ये उस पर डिपेंड करेगा कि स्ट्रेस जो है क्या होगा उस पॉइंट पे. तो सरफेस के ओरिएंटेशन पर स्ट्रेस डिपेंड करेगा. तो फ्लूइड के अंदर किसी पॉइंट पर अलग अलग ओरिएंटेशन के सरफेसेस पे भले उनका एरिया सेम हो, स्ट्रेस की मात्रा अलग अलग हो सकती है. जबकि किसी पॉइंट पर प्रेशर सभी दिशाओं में एक समान होता है. स्ट्रेस और प्रेशर में यह फर्क है. स्ट्रेस एक टेंसर क्वांटिटी है, जबकि प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है. तो ये फर्क है स्ट्रेस और प्रेशर में. स्ट्रेस किसी पॉइंट पर फ्लूइड के अंदर सभी डायरेक्शंस में सेम होता है, यानी कोई भी सरफेस ले लीजिए उस पॉइंट पर, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, किसी भी ओरिएंटेशन का सरफेस ले लीजिए, पॉइंट वही रखिए, तो वहां पे प्रेशर सेम मिलेगा लेकिन स्ट्रेस बदल जाएगा ओरिएंटेशन बदलने पर. ये इंपॉर्टेंट है. स्ट्रेस क्यों बदल जाएगा? क्योंकि इस सरफेस के ऊपर जो लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स है वो बदल जा रहा है. क्यों बदल जा रहा है? क्योंकि जब सरफेस चेंज होगा तो सरफेस की डायरेक्शन चेंज हो रही है. जब से ऐसे सरफेस बदलेंगे उसकी डायरेक्शन बदल रही है. सरफेस की डायरेक्शन उसके नॉर्मल की डायरेक्शन होती है. तो जब डायरेक्शन बदल जाएगी तो नॉर्मल की भी बदलेगी, टेंजेंट की भी बदलेगी. टेंजेंट की डायरेक्शन चेंज होगी, यानी सरफेस पर जो टेंजेंट है उसकी डायरेक्शन बदल जाने से अलग अलग सर्फेसेस पे टेंजेंशियल फोर्स बदल जा रहा है. और ये टेंजेंशियल फोर्स कैसे क्रिएट होता है? फ्रिक्शन से क्रिएट होता है. मान लीजिए ये तो सरफेस है, फ्लूइड के सरफेस, और ये मूव कर रहे हैं, एक दूसरे के रिलेटिव मोशन कर रहे हैं. तो ये एक दूसरे के ऊपर जो है फ्रिक्शन का फोर्स लगाएंगे. फ्रिक्शन का जो फोर्स लगाएंगे तो इस सरफेस पर
अगर ये सरफेस इस पे मूव कर रहा है ऐसे, तो टेंजेंट फ्रिक्शन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, और जबकि इस सरफेस पे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, मोशन के अपोजिट लगेगा सिंपली। तो जो फ्रिक्शन का फोर्स है वो जो है टेंजेंशियली लगेगा, और जब विस्कस फ्लूइड होगा तभी ये फ्रिक्शन का फोर्स क्रिएट होगा, जिसे टेंजेंशियल स्ट्रेस कहा जाता है। क्योंकि जो भी किसी सरफेस पर स्ट्रेस होगा वो सरफेस के ओरिएंटेशन पर डिपेंड करेगा, और सरफेस की जो डायरेक्शन है वो नॉर्मल की डायरेक्शन होती है, और फोर्स जो रिजल्टेंट है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, मतलब टेंजेंशियल फोर्स और साथ में प्रेशर का फोर्स, ये दोनों मिल करके जो बनाएंगे उसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, सपोज दिस डायरेक्शन। तो जो यहां पर स्ट्रेस में हमने फोर्स लिया है इसकी एक डायरेक्शन है, और जो सरफेस है उसकी एक डायरेक्शन है। अगर ये सरफेस का ओरिएंटेशन आप बदल दीजिए तो फोर्स बदलेगा उसके ऊपर लगने वाला, और सरफेस भी बदलेगा, तो इस तरीके से स्ट्रेस चेंज हो जाएगा। इसको डिटेल में अगले सेमेस्टर में देखेंगे, क्योंकि ये विस्कोसिटी से रिलेटेड है, विस्कस फ्लूइड में ही स्ट्रेस क्रिएट होगा। अगर फ्लूइड विस्कस नहीं है तो विस्कोसिटी का फोर्स नहीं होगा, फ्रिक्शन का फोर्स नहीं होगा, और फ्रिक्शन का फोर्स नहीं होगा तो जो सरफेस का फोर्स है वो केवल प्रेशर का ही फोर्स होगा। इस तरीके से केवल प्रेशर ही मिलेगा सरफेस फोर्स के रूप में, स्ट्रेस नहीं मिलेगा, और जो प्रेशर है वो हमेशा ही सरफेस के नॉर्मल लगेगा, उसकी कोई दूसरी डायरेक्शन नहीं होती है। कोई भी सरफेस लीजिए, उसका ओरिएंटेशन कुछ भी ले लीजिए, वो नॉर्मली लगेगा। तो जो स्ट्रेस की जिसकी हम बात कर रहे हैं, और उसके दो कंपोनेंट हम लेते हैं, टेंजेंशियल और नॉर्मल। टेंजेंशियल का मतलब है अगर जो फोर्स है हमारा उसको दो कंपोनेंट इसके होंगे, एक टेंजेंट की डायरेक्शन में, एक नॉर्मल की डायरेक्शन में। जो नॉर्मल से नॉर्मल फोर्स से जो स्ट्रेस मिलेगा उसे नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं, जो टेंजेंट फोर्स से स्ट्रेस मिलेगा उसे टेंजेंशियल स्ट्रेस कहा जाता है। जो टेंजेंशियल स्ट्रेस है ये फ्रिक्शन है, जब फ्लूइड मूव करेगा तो जो फ्लूइड के दो सर्फेसेस एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आएंगे, लेयर्स कॉन्टेक्ट में आएंगी, तो वो जब मूव करेंगी तो जो फ्रिक्शन का फोर्स होगा वो सरफेस के टेंजेंशियल होगा, नॉर्मल नहीं लगेगा, टेंजेंशियल लगेगा, फ्रिक्शन का फोर्स टेंजेंशियल होगा। तो टेंजेंशियल जो स्ट्रेस है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे फ्रिक्शन क्रिएट होता है, और नॉर्मल जो स्ट्रेस है वो ऐसा नहीं है कि ये प्रेशर है, प्रेशर इसके अंदर है नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर, लेकिन ये सीधे सीधे प्रेशर ही है ऐसा नहीं है, इसमें और भी फोर्सेस है। तो ये तो हो गया स्ट्रेस। तो स्ट्रेस किसी फ्लूइड के अंदर क्या है, किसी फ्लूइड के अंदर एक सरफेस इमेजिन करिए, उस सरफेस पर जो लगने वाला फोर्स है पर यूनिट एरिया वो स्ट्रेस कहलाएगा उस पॉइंट पर, और ये डिपेंड करेगा जिस सरफेस पे हमने लिया है उसका ओरिएंटेशन क्या है, ओरिएंटेशन बदल जाने पर ये स्ट्रेस बदल जाएगा। तो एक ही पॉइंट पर अलग अलग सर्फेसेस में स्ट्रेस अलग अलग होगा, जबकि एक ही पॉइंट के अलग अलग सर्फेसेस पे प्रेशर सेम होता है। ये डिफरेंस है प्रेशर और स्ट्रेस में, ये ध्यान रखिएगा। स्ट्रेस डिपेंड अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ द सर्फेस कंसिडर्ड, वेयर एज प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ द सर्फेस। स्ट्रेस इज ए टेंसर क्वांटिटी, प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर नहीं है, ध्यान रखिएगा, स्केलर क्वांटिटी है। अब आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है ये आप समझ चुके हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से जो फ्लूइड के मोशन में फ्रिक्शन क्रिएट होता है वो जो प्रॉपर्टी है वो विस्कोसिटी है, और ये अलग अलग फ्लूइड की अलग अलग होगी, अलग अलग टेम्परेचर पर एक ही फ्लूइड की अलग अलग होगी। तो एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर और प्रेशर पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर और नॉर्मल टेम्परेचर पर, जो विस्कोसिटी फ्लूइड की होती है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक विस्कोसिटी कहलाती है।